हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल ऑफ अनअकैडमी। दोस्तों, यहां पर आप ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहां पर आप एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स एक सब्सक्रिप्शन के साथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई जीएस विद अनअकैडमी। दोस्तों, अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहां पर हमको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस। यस भैया, यहां पर मिलती हैं हमको डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, और वो भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में। बिल्कुल भैया, स्ट्रक्चर्ड मैनर में, फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस लेवल। भैया, ये चीज हमको और कहीं पर प्रोवाइड नहीं होती, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस हमारे हर एक वीडियो लेक्चर का, हर एक वीडियो सेशन का। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट। तो यहां पर इसके लिए हमको क्या करना होता है, हमको करना होता है सिर्फ अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड, और वो भी हमारे मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, अगर आप आईफोन यूज करते हो। ये एक फुल्ली लोडेड ऐप है सर। यहाँ पर हमको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, डेली रिकॉर्डेड सेशंस भी आप लोग देख सकते हो, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। हेलो गुलाब, हेलो हेलो राजेंद्र, हेलो हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? क्योंकि तो यहाँ पर पढ़ाते हैं इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर्स, जैसे सुदर्शन गुर्जर, उदित गुप्ता, नाल पटेल, प्रकाश कुमार, आयुष सांगी, रोमन सैनी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक, और मैं भी हूँ भैया। मेरा नाम अमित मोदी है, बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, 4 बार मैंने मेंस का एग्जाम दिया सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है, और 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा अन अकेडमी पर प्रोफाइल है, academy.com/@amitmodi0408, एंड दिस इज अ टेलीग्राम चैनल t.me/upscamitmodi। ये जो है चैनल है टेलीग्राम का, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। बिल्कुल, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। जस्ट यहाँ पर इस पे आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, इस पे आपको मिल जाएंगी क्लास की इंफॉर्मेशन, इस पर आपको मिल जाएंगी और भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड अबाउट द यूपीएससी। बिल्कुल वेल फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। 1000 AD से लेकर के 1200 AD तक का जो पीरियड है, ये हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। भैया, हमने क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले पढ़ा था दी नॉर्दर्न एज, द एज ऑफ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। इसमें हमने देखा था 800 से 1000 AD तक का पीरियड नॉर्थ इंडिया में क्या था, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द थ्री एम्पायर्स, द राष्ट्रकूटास, द प्रतिहारास एंड द पालास। भैया, 1000 AD तक आते आते ये सारी की सारी एम्पायर वीक हो जाती हैं। 1000 AD में सबसे पहला मेन, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है, दैट इज द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनवी। उसके बाद में राजपूत स्टेट्स डेवलप हो जाती है, मतलब उससे उसी के टाइम पर राजपूत स्टेट्स भी डेवलप हो रही होती हैं, एंड साथ ही साथ में मोहम्मद गौरी का इन्वेजन 1175 AD के बाद से, मोहम्मद गौरी का इन्वेजन, और 1200 तक आते आते लगभग लगभग जितने भी राजपूत प्रिंसिपालिटीज है नॉर्थ एम्पायर में, उन सबको हरा देना, हराने के बाद में अपना एम्पायर स्टैब्लिश करना फ्रॉम 1206 AD, यानी कि दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश करना बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ये चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं, हालांकि दिल्ली सल्तनत का पार्ट हम लोग कल वाले सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंसिवली सारा सिलेबस अन अकेडमी के इस ऐप पर जो है कंप्लीट होता है, चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो, या फिर ऑप्शनल कोर्स हो फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बस आप दूर है एक सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन लेते ही ढेर सारे बेनिफिट्स आपके पास, एक बार सब्सक्राइब करते ही। सबसे इंपॉर्टेंट, घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हो, घर बैठे, ठीक है। क्योंकि इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, जिनके लिए हम लोग दिल्ली वगैरह जाते हैं और भी जगह पर जाते हैं, तो वो हमको पढ़ाते हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और हम इन सब से पढ़ सकते हैं अपने घर बैठे, अपने कंफर्ट जोन में। बिल्कुल भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंफर्ट जोन में रहेंगे तभी कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, है ना। 100% कवरेज होता है हमारे पूरे सिलेबस का, जिसमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल टाइप ऑफ कोर्सेस।
regular data training sessions, answer writing sessions and live test series. बिल्कुल ढेर सारे टेस्ट, तो जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक मालूम कैसे पड़ेगा कहां पर आपकी प्रिपरेशन लाई कर रही है। और कहीं पर भी अटक जाओ, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो मेंटोरशिप्स आर देयर, गाइडेंस आर देयर, ढेर सारे मेंटोर्स हैं, आप उनसे एनी टाइम 24/7 आप टच में रह सकते हो उनके साथ। तो ये है ढेर सारे बेनिफिट, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है भैया यूपीएससी का जो। बिल्कुल, यहाँ पे दो टाइप की सब्सक्रिप्शन है, एक है प्लस कोर्स, एक है आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में हमको डेली मिलती लाइव क्लासेस, डेली टेस्ट सीरीज, डेली अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ठीक है। 12 महीने का ये शेड्यूल है हमारा, बिल्कुल 12 महीने का 49,500 फी स्ट्रक्चर है, 72,000 ये फी स्ट्रक्चर है हमारा 24 मंथ्स का, एंड 90,000 फी स्ट्रक्चर है फॉर द 36 मंथ्स, ठीक है। जैसे ही आप अमित मोदी रेफरल कोड यूज करते हो, जैसे ही आप अमित मोदी रेफरल कोड यूज करते हो, आपको मिल जाता है इन सब पर 10% का डिस्काउंट। बिल्कुल 44,500 ईयर का, 64,800 टू ईयर का, और 81,300 ईयर का आपको मिलता है फॉर द प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सारी की सारी चीजें यहां पर आपकी कवर हो जाती हैं जीएस में। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 69,500, 1,07,000 एंड 36 मंथ्स का जो कोर्स है, 36 मंथ्स का जो कोर्स है दैट इज 1,40,000 के अराउंड आपको मिलता है, 1,41,000 के अराउंड आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है। आपने अमित मोदी रेफरल कोड यूज किया, आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपको जो है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 साल तक लगातार पढ़ने का मौका मिलेगा, मात्र 3,525 रुपया ये इसका कॉस्ट है, ठीक है। एक पर्सनल कोच रहेगा, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी, एक स्टडी प्लानर होगा, एक तरीके से मेंटोरशिप प्रोग्राम है। क्या है सर? इट इज अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। ऑलराइट, अब एक ऑप्शनल की कैटेगरी जो कि अलग से हम लोगों ने एस्टैब्लिश करी है, सिर्फ ऑप्शनल के लिए, ओनली फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है भैया। 24 अक्टूबर से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया है उनका तो ऑप्शनल इंक्लूडेड है, लेकिन जो बच्चे उसके बाद में आए हैं अब जो लेंगे उनको अलग से ऑप्शनल के लिए फीस लगेगा 27,500 फॉर द 1 ईयर। बिल्कुल 1 ईयर, और जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करोगे अमित मोदी, आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, 2,063 रुपीज पर मंथ में आपको मिलेगा ये सब्सक्रिप्शन। वेल फ्रेंड्स, ये ढेर सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये ढेर सारे हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, और ये एक सब्सक्रिप्शन प्लान है टोटल, आप इसको देख सकते हैं। बिल्कुल ये चीज, तो जैसा आप चूज करना चाहें वैसा आप चूज कर सकते हैं अमित मोदी रेफरल कोड यूज करने के बाद। ये है प्लस के ऊपर एक कोर्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, आप सब्सक्राइब करने के बाद आप इसे कोर्स को देख सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अनअकैडमी। A very warm good afternoon, sorry, a very warm good evening to all of my great learners. Welcome Rajinder, welcome Gulab, welcome, कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome Taradeep, welcome Pavan, welcome Ginga, Stone, Tanya, welcome, welcome to the session. Today, आज हम लोग start करने वाले हैं the age of conflict era. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस्लाम के बारे में, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे ब्रीफ में कि इस्लाम जो है वो राइज कैसे हुआ और कैसे उसका एक्सपेंशन शुरू हुआ, फिर इंडिया में पहली बार इनकर्शन जो है इस्लामिक रूलर्स का वो कब से शुरू हुआ, ये हम लोग जानेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन अबाउट द इन्वेजन ऑफ द गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी। उसके बाद हम लोग राजपूत स्टेट्स पर आएंगे, फिर हम पढ़ेंगे द अटैक ऑफ गौरिक्स, मोहम्मद गौरी, उसका अटैक्स, उसने कैसे कैसे एम्पायर को जो है इंडियन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया, एंड देन वी विल एट लास्ट डील विद द कॉजेस फॉर द डाउनफॉल ऑफ द राजपूत्स, यस, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। वेलकम लक्ष्मी, वेलकम विद्या, वेलकम अर्जुन, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम। तो चलो भाई, सबसे पहले देखते हैं इस्लाम। 7th century AD में इस्लाम नाम का एक नया रिलीजन, इसका जन्म होता है अरेबिया में, यस। बहुत शॉर्ट टाइम में ये अपने लिए बहुत बड़ा एम्पायर कार्व आउट कर लेता है, इंक्लूडिंग द आइबेरियन पेनिनसुला एंड फ्रॉम ईरान टू इंडिया। भैया, नॉर्थ अफ्रीका से लेकर के आइबेरियन पेनिनसुला, ये कहां पर चला गया? ये चले गए हम यूरोप में। कहां आ गए आइबेरियन पेनिनसुला? यूरोप में, स्पेन, यस, स्पेन तक पहुंच जाता है इस्लाम 7th century AD में, एकदम धीरे धीरे। नाउ दिस इज अ रिलीजन फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद।
ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद का जो बर्थ है वो 570 एडी में होता है इन द हाशिम क्लैन ऑफ कुरियश ट्राइब। बिल्कुल अरेबिया में ये क्लैन है, हाशिम क्लैन कुल है और उसका एक ट्राइब है कुरियश, वहां पर उनके फादर का जो नाम है वो है अब्दुल्ला। 610 एडी में एट द एज ऑफ 40, बिल्कुल भैया एट द एज ऑफ 40, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्पिरिचुअल इंटेंस स्पिरिचुअल फीलिंग जो आती है गौतम बुद्ध को और भगवान महावीर को, बिल्कुल उसी तरीके से इनको भी कुछ एक इंटेंस स्पिरिचुअल फीलिंग आती है कि भैया जो भी कुछ है मैं ही हूं, अल्लाह है, अल्लाह ने सब कुछ मेरे को दिया, एक सुप्रीम गॉड है, ठीक है, सुप्रीम गॉड से एक रे ऑफ लाइट मेरे अंदर आया है और बिल्कुल मैं बन गया अब प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है द फॉलोअर ऑफ अल्लाह, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है। ये चीज उन्होंने अपने आप को मैसेंजर बताया फॉर द सुप्रीम बीइंग दैट ही कॉल्ड एज अल्लाह एंड ही बिकेम टू बी कॉल्ड एज अ प्रॉफिट, ठीक है। यस, उन्होंने अपने अल्लाह का जो मैसेज है, बिल्कुल अल्लाह का जो मैसेज है ह्यूमन बीइंग्स को कम्युनिकेट करना शुरू किया और जो वो मैसेज दिया, जो वो रिवील करते चले गए, उस पर एक पायस बुक, बिल्कुल पाक कुरान, बिल्कुल पायस बुक कुरान नाम की एक जो किताब है ये लिखी गई। खदीजा, ही वॉज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, इन्होंने पहली बार इस एक पर्टिकुलर सेक्ट को, एक रिलीजन को अडॉप्ट किया। विद इन फ्यू ईयर्स, बहुत बिल्कुल थोड़े से समय में ही, बिल्कुल बहुत सारे एक स्मॉल फॉलोअर्स का एक जो बैंड था वो उन्होंने तैयार कर दिया एंड दे आर ऑल कॉल्ड एज द मुस्लिम्स। मुस्लिम जो है ये एक अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है द पर्सन हु हैज सबमिटेड टू अल्लाह, ठीक है। यस, अल्लाह यानी कि सुप्रीम बीइंग को, यानी कि सुप्रीम गॉड को, जिसने अपना सब कुछ डिवोट कर दिया हो, उसे हम लोग बोलते हैं मुस्लिम, ठीक है। तो ये एक ये नई कम्युनिटी का इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है। यस, ये चीज, ओके, ये पार्ट। बेटा शिवांश, ये गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब बस हमने इस्लाम स्टार्ट किया है अभी से, है ना, एक बार ध्यान सुनने की एक और नया जो रिलीजन है वो एस्टैब्लिश हुआ, कैसे हुआ, है ना। यस, व्हाट वर द रीजंस? यस, नाउ द पॉइंट कम्स, व्हाट वर द रीजंस, कि अरेबिया में ऐसा क्या था कि जिसके चलते ये एक नया रिलीजन एस्टैब्लिश किया गया। भैया इंडिया में क्या था जब बुद्धिज्म और जैनिज्म को एस्टैब्लिश किया गया? यस, सम सॉर्ट ऑफ केओस वाज देयर, सम सॉर्ट ऑफ हेगेमनी ऑफ द ब्राह्मण्स वाज देयर, ठीक है। यस, बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉस्टली रिचुअल्स थे, ठीक है। शूद्र एक कम्युनिटी थी और विमेन्स एक और थे, तो उनको जो है स्पिरिचुअल राइट्स नहीं थे, एजुकेशनल राइट्स नहीं थे, है ना। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं जाकर के जो वैश्य कम्युनिटी है और क्षत्रिय कम्युनिटी है, इनके बीच में क्लैशेस शुरू हो गए, ठीक है। तो इन क्लैशेस को दूर करने के लिए क्षत्रियाज आए और ब्राह्मण्स की हेगेमनी को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक नया रिलीजन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, दैट वाज द बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म। ये हम लोग एंशियंट इंडिया में पढ़ चुके हैं, लेकिन शाम के साथ क्या हुआ भैया? ड्यूरिंग द 7th century AD अगर हम लोग देखें तो अरेबिया में ज्यूस का रोल था, दे वर द आइडल वर्शिपर्स। बिल्कुल सेम टू सेम भैया टेम्पल्स, यस सही पकड़े हैं आप सभी लोग, बिल्कुल टेम्पल्स जो थे वो काफी रिच हो गए, मर्चेंट्स थे, अरब मर्चेंट्स थे, दे वर वेरी रिच, ठीक है, काफी अच्छा ट्रेड करते थे वो लोग, है ना। इट्स फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, और काफी डिमांड था, अरब जो गुड्स में डील करते थे उनका कहाँ पर, रोम में, और काफी पैसा मिलता था वहां से, यस काफी पैसा, और वो सब कहाँ जाता था, वो सब जाता था उन टेम्पल्स में आइडॉल वर्शिपर्स के पास। तो क्या हुआ कि भैया क्या हुआ, करप्शन आ गया, ठीक है। यस, करप्शन आ गया आइडॉल वर्शिप टेम्पल्स के अंदर, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लॉज एस्टैब्लिश हो गए, है ना जी। तो इनके अगेंस्ट में, इन सब चीजों के अगेंस्ट में प्रॉफिट मोहम्मद ये उठे और बोले कि नहीं भैया, पोलीथीज्म जैसा, यानी कि एक से ज्यादा मल्टीपल गॉड्स जो होते हैं उनको पोलीथीज्म की पूजा करना, उसको हम पोलीथीज्म बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज नहीं है, मोनोथीज्म है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ मोनोथीज्म, यानी कि अल्लाह यानी कि सुप्रीम बीइंग एक है, एक है, और उसने मेरे को अपना मैसेंजर बना के यहाँ पर भेजा है कि मैं भैया इन सब चीजों को खत्म करूं, ठीक है, और उसका रूल को एस्टैब्लिश करूं। ये चीज, ये प्रॉफिट मोहम्मद है, कैसे, नॉट बाय द फोर्स बट बाय द लव, ठीक है। इस तरीके से मैं उसको स्प्रेड आउट करूं, ये चीज। एंड यस, फॉलोअर्स थे, फिर क्या हुआ, ये जो फॉलोअर्स थे अर्डेंट बिलीवर, यस क्या था, दे वर द बिलीवर, मोनोथीज्म की पॉलिसी, उन्होंने कहा कि एक There is only one God, Allah. Other deities को उन्होंने reject कर दिया, ठीक है, बिल्कुल, और कहा कि जो God है, वो
गॉड दैट इज निर्गुण, दैट इज अ रे ऑफ लाइट ओनली, और उसको हम आइडोल नहीं बना सकते, यानी कि मूर्ति पूजा जो है प्रोहिबिट कर दी गई, खत्म कर दी गई, क्योंकि मूर्तियां होंगी तो मंदिर बनेंगे। क्यों जो मूर्ति पूजा खत्म की गई कि भैया जीव उसके पास क्या था, बहुत सारे टेम्पल्स थे और वो टेम्पल्स करप्ट थे, ब्राइबरी होती थी वहां पर, है ना, ब्राइब लिया जाते थे। हाँ बेटा बिल्कुल सही सिंधु, ज्यूज ही थे पहले, ठीक है, ब्राइब्स लिए जाते थे, ठीक है, तो प्रॉब्लम होती थी, क्योस था सोसाइटी में, करप्ट प्रैक्टिसेस होती थी वहां पर उन टेम्पल्स में, ठीक है, उसके अगेंस्ट में एक ये जो है सेक्ट स्टार्ट हुआ, एस्टैब्लिश हुआ। तो बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो मूर्ति ही हटा दो, आइडॉल वर्शिप ही नहीं होगी तो मंदिर का है, फिर तो वो एक तरीके से ह्यूमन बींग्स के रेसिडेंट हो गए। अभी तो क्या था कि भगवान के नाम पर सब कुछ किया जा रहा था, है ना, इस गॉड के नाम पर सब कुछ किया जा रहा था, तो भैया जब वो मूर्ति ही नहीं रहेगी तो ये एक थ्रेट, ये एक ट्रेट यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ। बोले नहीं भैया मूर्ति पूजा नहीं है, यस बिल्कुल, आइडल वर्शिप वॉज नॉट देयर, ठीक है। डाइवर्स रिलीजियस प्रैक्टिस जो है अरब ट्राइब्स को जो है एक सिंगल बिलीफ में, एक सिंगल बिलीफ में कि भैया देयर इज वन गॉड ओनली, सिर्फ एक ही गॉड है जिसको कहते हैं अल्लाह, है ना, ये चीज, तो ये आइडियोलॉजिकल बेसिस बना और यहाँ पर जो ट्राइब्स थे अरब्स के, यस, वो सब यूनाइट हो गए। और फिर उसके बाद 622 AD में प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो माइग्रेट करते हैं मदीना, कहां से, मक्का से, यस, मक्का से मदीना, मक्का से मदीना, और यहां से एस्टैब्लिशमेंट शुरू होता है इस्लामिक रूल का। ये जो मूवमेंट है 622 एडी में, इस मूवमेंट को कहा जाता है हिजरत, और यहां से मुस्लिम कैलेंडर शुरू होता है। क्या होता है भैया, मुस्लिम कैलेंडर, एक इस्लामिक एरा या मुस्लिम एरा की शुरुआत होती है, ठीक है। आप जो भी मुस्लिम कैलेंडर देखते हो, जो भी कैलेंडर देखते हो, उसमें एक इस्लामिक एरा लिखा होता है। आप अगर उस टाइम पीरियड में 622 एडी ऐड कर दोगे तो करंट ईयर में आ जाओगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे विक्रम संवत है, चक संवत है, वैसे ही मुस्लिम एरा भी है, ठीक है, ये चीज। यहाँ पर जो रिलीजन है वो ट्रांसफॉर्म हो गया पूरी तरीके से, पॉलिटिकल सोशल लाइफ ये चेंज हो गई, नॉट ओनली ऑफ द अरब्स बल्कि बहुत सारे जगहों की। बिल्कुल प्रॉफिट की डेथ ठीक 10 साल के बाद हो जाती है ऐसे मूवमेंट के साथ 632 एडी में। प्रॉफिट तो एक ही है, इनके बनते हैं डेप्यूटीज जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, उन डेप्यूटीज को कहा जाता है खलीफा और कैलिफ्स, ठीक है, खलीफा, ठीक है, जो इनको सक्सीड करते हैं। चार पायस खलीफा हैं जो कि 661 AD तक रूल करते हैं लगभग लगभग, और उसके बाद डायनेस्टीज का एस्टैब्लिशमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, डायनेस्टीज का एस्टैब्लिशमेंट शुरू हो जाता है। उम्मायद खलीफा ये पहली डायनेस्टी है जो कि डमास्कस यानी कि सीरिया को बिलोंग करती है, डमास्कस, ठीक है, ये सीरिया का कैपिटल है, यहाँ पर इनका मेन सीट होता है, और ये इस्लामिक पावर को एक्सपैंड करते हैं टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड सॉरी टूवर्ड्स द ईस्ट एज वेल एज टूवर्ड्स द वेस्ट। सबसे पहले नॉर्थ अफ्रीका को कवर करते हैं, एंड देन आफ्टर क्रॉसिंग द मेडिटेरेनियन सी दे अटैक द सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप। अगर हम देखें तो हमने ये भी पढ़ा है कि इस टाइम पीरियड पर यूरोप काफी वीक है, फ्यूडल सिस्टम वहां पर एस्टैब्लिश करता है, तो बहुत इजिली वहां के रूलर्स को हराया जा सकता है, ठीक है, ये चीज। जैसे ही ये लोग ईस्टवर्ड मूव करते हैं, दे केम इनटू कांटेक्ट विद द इंडियंस। उमायद खलीफास के टाइम पर ढेर सारे जो है इन्वेजन्स हुए, उन इन्वेजन्स में सबसे प्रोमिनेंट है द इन्वेजन ऑफ द मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम जो 1112 AD में होता है, ठीक है, इन द सिंध रीजन। उमायद खलीफास गिव स्टेबिलिटी एंड द प्रॉस्पेरिटी टू द खलीफत, यस, इनको एस्टैब्लिश कर दिया। और उसके बाद आते हैं द अब्बासीड्स, यहां पर होता है सही मायने में एक्सपेंशन, इनका जो कैपिटल है वो है बगदाद, बगदाद, यस, द कैपिटल ऑफ इराक, इराक रीजन, ठीक है, ये चीज, ओके, ये पार्ट। इस तरीके से इस्लाम का राइज होता है और स्प्रेड होना शुरू होता है, ठीक है, यहाँ पर। Got it? चलो भाई, हेलो हेलो प्रीति, हेलो गुड इवनिंग स्टोन कोल्ड कैस्ट्रो सर, दिस माइग्रेशन वाज इज एक्साइल राइट फॉर ट्राइंग टू ब्रिंग द चेंज। हाँ बेटा बोल सकते हैं दिस माइग्रेशन वाज एक्साइल, लेकिन यस ऐसा बोल सकते हैं, मक्का में बिल्कुल एक छोटा सा ट्राइब ही था, है ना, यस ट्राइब ही था, ओके, और ये माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम मक्का टू मदीना, ओके, ये चीज है ना, यस, चलो ठीक है। तब इस्लाम का एडवेंट आता है, हमने क्या बताया आपको,
712 AD में उमायद खलीफा का एक जनरल है, दैट इज मोहम्मद बिन कासिम, ये करता है इंडिया पर अटैक, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द सिंध रीजन। ठीक है, यहाँ पर जो किंग है उसका नाम है दाहिर, ठीक है, दाहिर के ऊपर ये अटैक करता है, पहला इन्वेजन है। इसके पहले भी इन्वेजन ढेर सारे होते हैं, अटैक्स होते हैं इंडिया के ऊपर, लेकिन जो डायनेस्टीज हैं जैसे गुर्जर प्रतिहाराज हैं, राष्ट्रकूट हैं, ये डायनेस्टीज प्रॉपर मैनर में इनको रजिस्ट कर देते हैं, इनके मूवमेंट को रोक देते हैं, बिकॉज जो अरब्स थे दे वर नोइंग अबाउट द पावर, दे वर नोइंग अबाउट द पावर, देयर इन्फ्लुएंस ऑफ द डायनेस्टीज विच वर रूलिंग इंडिया एट दैट टाइम। ठीक है, उन्होंने कहा कि काफी पावरफुल है भैया, देखो सुलेमान आया, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, है ना, सुलेमान आया, ठीक है, उसके बाद अल मसूदी आया, है ना, अल मसूदी ने अल जुजर ये किंगडम गुजर प्रत्यारा को बोला, सुलेमान जो है सबको घूमता घामता पहुंचा पाल किंगडम के पास में, उसको जो है रूमा रूमी ये किंगडम का नाम दिया गया, है ना, ये चीज। तो भैया ये काय काय के लिए आए थे, घूमने के लिए थोड़ा आए थे, कोई पिकनिक स्पॉट थोड़ा ना था इंडिया, ये आए थे यहाँ की कंडीशन देखने के लिए, यहाँ देवर द स्पाइस एक तरीके से, है ना, देवर द स्पाइस, देवर द एजेंट्स, वी कैन से दैट, वो आए घूमे फिरे जाने समझे चले गए, बोले कि नहीं भैया बहुत स्ट्रांग है, नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी, हम हार जाएंगे, हो सकता है ये कि हमारा एक्सपेंशन से पहले हमारा एंड हो जाए, नो चलो भाई वेस्टवर्ड चलते हैं। तो उन्होंने अफ्रीका और यूरोप पर कंट्रोल जमाया, ठीक है, लेकिन 8th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही, यानी कि 712 एडी में एक जनरल था कासिम, इसने अटैक किया सिंध के ऊपर और वो सिंध जीत गया। इन्वेजन जो था वो अरब के एक्सपेंशन पॉलिसी का पार्ट था, लेकिन इसको रीजन दिया गया कि इन्वेजन जो किया जा रहा है कि अरब की जो शिप्स हैं, डेबोल करके एक पोर्ट है कराची के पास में, वहां पर जो है इन अरब शिप्स को प्लंडर किया गया बाय द पायरेट्स, और किंग ने कुछ भी नहीं किया, ये एक रीजन दिया गया, और किंग ने जो है कुछ भी नहीं किया। हजाज अल हजाज ये था गवर्नर इराक पर, ठीक है, यस, उसका जनरल था मोहम्मद बिन कासिम, उसने भेजा यहां पर वकासिम को, जो कि 712 एडी में इंडिया आया, डेबोल को पहले लिया, फिर उसके बाद इंडस रिवर को क्रॉस करके रावर पर, दाहिर पर अटैक किया, जो कि राजा था सिंध का, इसको अटैक किया, इसको हराया, इसको मार दिया, बिल्कुल। और देखो फेट, देखो 712 एडी में ही ठीक 2 दिन के बाद ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अल हजाज मोहम्मद बिन कासिम का भी मर्डर कर दिया जाता है। दाहिर वॉज कॉट एंड किल्ड, मोहम्मद बिन कासिम जो है पूरे के पूरे सिंध रीजन पर कंट्रोल कर लेता है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सिंध डिस्टर्ब हो जाती है, जितने भी मर्चेंट्स हैं वो सब सिंध से भाग जाते हैं, और लोअर पंजाब एक तरीके से कंट्रोल में आता है, लेकिन लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर उसे मार दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। लेकिन जो सिंध का जो रूल है, अरब का जो रूल है, वो लगभग लगभग 2 साल तक चलता है, और फिर वो रिटेलिएशन लोकल पॉपुलेशन का फेस नहीं कर पाते और वो फिर सिंध छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, वो सिंध छोड़ के चले जाते हैं, ओके। तो ये पार्ट, ये था पहला अटैक। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं 1080 से 1280 तक का पार्ट, है ना, ये पार्ट, ओके, है ना, ये चीज। उन्नति गेमर, ओके, नॉट ऑडिबल, अच्छा नॉट ऑडिबल, चलो, है ना, आई एम फ्रॉम क्लास 9th, गुड, चलो, कोई डाउट नहीं है अभी तक, किसी को भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, है ना, ये चीज अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, अब आती है हमारी द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कि शुरू होती है 1000 एडी से 1200 एडी तक के बीच में। अभी हमने क्या देखा थोड़ी देर पहले, हमने ये देखा कि उमायद खलीफा 661 एडी से लेकर के 750 एडी तक है, और उसके बाद 750 एडी से लेकर के लगभग 1238 एडी तक अब्बासीड्स, ठीक है, तो सेंट्रल एशिया में भी खूब सारे चेंजेस आ गए, इंडिया में भी बिल्कुल डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गई, है ना, यह क्या हुआ, अब्बासिद खलीफास खलीफ जब आए तो उन्होंने टर्क्स को एज देयर मर्सिनरीज रिक्रूट करना शुरू किया, ठीक है, 9th सेंचुरी एडी के आसपास ये अब्बासिद खलीफात भी डिक्लाइन होना शुरू हो गए, तब तक टर्क्स जो है वो इस्लामाइज्ड हो चुके थे, और इस्लामाइज्ड मर्सिनरीज थे, इनको ट्रेन किया गया, दे वर इन बॉर्न वॉरियर्स, ठीक है, यस, पैलेस गार्ड्स एंड द मर्सनरी सोल्जर्स, बिल्कुल वेरी स्विफ्ट मूवमेंट इन टर्क्स का होता था, और जैसे ही अब्बासिद एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हुआ ये टर्क्स इंडिपेंडेंट बन गए बाय एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ आमिर और सुल्तान,
ये चीज। और बिल्कुल इन टर्क्स ने जो रीजन था उसको प्लंडर करना शुरू किया, धीरे धीरे अपने लिए एम्पायर कार्व आउट करना शुरू करी, एंड दे गॉट द कंट्रोल समथिंग अबाउट सेंट्रल एशिया। पूरा सेंट्रल एशिया लगभग लगभग इनके अंडर में था, ठीक है ये चीज। वेल इंडिया के अंदर भी कुछ ज्यादा खास अच्छी सिचुएशन थी नहीं, गुजर पतियारा किंगडम जैसे ही वीक हुई ब्रोकआउट हो गई तो बिल्कुल न्यू फेज ऑफ डोमिनेशन ये स्टार्ट हो गया। छोटे 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 प्रिंसिपैलिटीज में पूरा नॉर्थ इंडिया ब्रेक हो गया, जो कि टर्किश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को नहीं, जो है बिल्कुल एग्रेसिव टर्किश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को नहीं देख पाया, बिल्कुल भी जो है उसे बियर नहीं कर पाया। और इसी टाइम पर होता है गजनवाइट्स एक्सपेंशन, गजनवाइट्स महमूद ऑफ गजनी, ये है गजनी अफगानिस्तान में, है ना। वो गजनी आमिर खान वाली गजनी नहीं, उसको मत समझ लेना, है ना। यस गजनी, गजनी जो है ये अफगानिस्तान में एक छोटा सा प्लेस है। यहाँ पर सबसे पहले अब्बासीड्स इनका रूल था। अब्बासीड्स के जो है एक ट्राइब था, सॉरी अब्बासीड्स का टर्क एक जो है गार्ड था, उसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो है सुबुक्तगीन जो है वो यहाँ पर एक पैलेस गार्ड की तरह था, ही वॉज अ स्लेव। लेकिन जैसे ही आपका मास्टर वीक हुआ उसने स्टैब्लिश किया द गजनी एम्पायर, पेंशन किया उसके बेटे अल्पतगीन ने, और उसके बाद दो और फेमस बना, दैट द सन ऑफ अल्पतगीन जिसको हम लोग बोलते हैं महमूद ऑफ गजनवी। अल्पतगीन ने जो है गजनी को अपना किंगडम बनाया, समनेट किंगडम जैसे ही एंड हुई गजनवीज ने अपना टास्क लिया और इस पूरे लैंड को इस्लामाइज कर दिया गया सेंट्रल एशियन रीजन में। महमूद ऑफ गजनी और महमूद गजनवी ये सुल्तान बने 999 AD में। इन्होंने 17 बार इंडिया पर अटैक किया, कितनी बार, 17 टाइम्स। महमूद ऑफ गजनी जो है बिल्कुल इसके पास पैसा नहीं था भैया, और इसे कहा गया कि जितने भी ट्रेडर्स थे इंडिया, इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री, वहां जाइए ठीक है, वहां जाइए और वहां पर जाकर के, ठीक है ये चीज, वहां पर जाकर के जो है आप अटैक कीजिए, जहां से आपको जो है काफी ज्यादा जो है रुपया पैसा मिलेगा, जिससे आप अपनी एम्पायर को एडॉन कर सकते हो। भाई ये क्या हुआ, नॉट ऑडिबल, हेलो हेलो संदीप, है ना भाई, नॉट ऑडिबल एडिटर भैया, सबको ऑडिबल है, तुम ही को ऑडिटेबल नहीं है ना। सिंधु आज टेस्ट नहीं होगा, कल होगा, है ना ये चीज। वेल स्टोन कोड, आई एम नॉट इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी फोकस ऑन क्लास वेज, बिल्कुल सही स्टोन, बिल्कुल सही, है ना ये चीज। चलो भाई ओके, ये बात। तो महमूद ऑफ गजनवी ने जो है इंडिया पर अटैक करना शुरू किया। महमूद ऑफ गजनवी, इसके साथ एक बड़ा टाइटल जुड़ा हुआ है, इज कॉल्ड एज बुत चिकन, इज कॉल्ड एज बुत चिकन यानी कि ब्रेकर ऑफ आइडॉल्स। बिल्कुल जितने भी मंदिर उसके उसमें आते चले गए, टेम्पल्स या आइडॉल्स आते चले गए, वो उनको तोड़ता चला गया। ऐसा भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान में जो बामियान, बामियान में जो लॉर्ड बुद्धा की जो सबसे ऊंची जो है मूर्ति बनाई गई थी, स्कल्पचर बनाया गया था, वो भी महमूद गजनवी ने तोड़ दिया, है ना। महमूद गजनवी ने, मैंने जैसे ही कहा, इंडिया को इन्वेट किया 1000 से लेकर के 1026 के बीच, और पहला जो अटैक किया दैट अटैक वॉज ऑन द किंगडम ऑफ जयपाल, हिंदू शाही किंगडम, हिंदू शाही किंगडम पर सबसे पहला अटैक किया गया इन 999 और 1000 AD, और बैटल ऑफ बाहिंद, बैटल ऑफ वाहिंद ये लड़ी गई, ठीक है। हिंदू शाही रूलर थे जयपाल, इनको 1001 AD में हरा दिया गया। 1004 AD से लेकर के 1006 AD तक बिल्कुल मुल्तान इस रीजन पर अटैक किया, पूरा का पूरा पंजाब चला गया गजनवी के हाथ में। और उसके बाद जैसे ही पंजाब गया उसको रास्ता मिल गया नगरकोट, मथुरा, थानेसर और कन्नौज पर अटैक करने का, और फिर सारा उसे यहाँ से पैसा मिला। यहाँ पर जितने भी टेम्पल्स थे उन सबको उसने डिजर्ट कर दिया, बिल्कुल तोड़ दिया, और जितना भी ट्रेजरी था। वाई? बिकॉज टेम्पल जितने भी थे वो सब क्या थे, दे वर द हाउस, मनी हाउस थे, है ना। यस एक तरीके से ढेर सारा पैसा था यहाँ पर, और इन सबको वो लूट के ले गया, ठीक है। नगर कोट का जो अटैक है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। लेकिन उससे भी क्या हुआ, उससे भी उसका जो है मेन, उससे भी उस उससे उससे जो है मेन जो है जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ। वो क्यों इतना पैसा चाहता था, उसके पास दो कारण, दो चीजें थी, ठीक है। एक तो उसको इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसके पास गजनी थी, ठीक है, उसकी कैपिटल,
ठीक है, एक तो वो क्या करता था, करना चाहता था कि वो अपने एम्पायर को वेस्ट वर्ड एक्सपैंड करना चाहता था, ठीक है, इसके लिए मनी चाहिए, प्लस अपनी इस कैपिटल को एड ऑन करना चाहता था, सुंदर बनाना चाहता था, इसके लिए इसको पैसा चाहिए। अब पैसा भाई ना तो कोई ट्रेड रूट है, ना ही कोई एग्रीकल्चर है, ना ना ही कोई ट्रेडर है, तो कैसे आएगा पैसा? ट्राइब्स थे भैया, ट्रक, इन्होंने कहा कि रेड करो, इंडियन टेरिटरीज में रेड किया, और रिच जो प्रोविंसेस थे वो सब उसके हाथ में आ गए। यस, द रिच प्रोविंसेस वो सब उसके हाथ में आ गए। टेम्पल्स पर सबसे पहले अटैक किया गया, क्यों? क्योंकि महमूद और गजनवी को ये पता था कि इंडिया के अंदर जितने भी टेम्पल्स हैं वो सबसे ज्यादा रिच है, इसीलिए उसने टेम्पल्स पर अटैक किया। रिलीजियन नहीं था, सिर्फ उसको पैसा चाहिए था भाई, उसे कहीं और से पैसा मिला नहीं। बाकी और चीजें भी, जैसे सोमनाथ पर अटैक किया गया इन ईयर 1024-25 AD में, है ना, तो वो चीज, वो भी अगेन फॉर द मनी, बिकॉज नॉर्थ इंडिया के लगभग लगभग जितने भी टेम्पल्स थे वो उन सबको डिजर्ट कर ही चुका था। तब महमूद और गजनवी पहली बार इन हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके इंडिया की तरफ आया, तो उसके साथ आया एक बड़ा स्कॉलर जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है एल बेरूनी, ठीक है, एल बेरूनी ये इसका नाम है। ये स्कॉलर आता है महमूद और गजनवी के साथ में इंडिया में, और ये लिखता है एक किताब जिसका नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद, ठीक है, यस, और क्या नाम है, तहकीक, तहकीक मतलब तहकीकात यानी कि इन्वेस्टिगेशन, तहकीक ए हिंद, ये जो है किताब ये लिखते हैं कौन, अल बेरूनी, जिनका असली नाम है अबू रेहान। अबू रेहान का मतलब क्या हुआ भैया, रेहान के पापा, अबू रेहान, अबू रेहान, रेहान के पापा एल बरूनी, ठीक है, ये चीज। तो ये क्या नाम लिख रहे हैं बुक का, किताब उल हिंद। ये बुक हर चीज के बारे में, इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन, इंडिया का सोशल कंडीशन, इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, इंडिया का रिलीजियस कंडीशन, कास्ट सिस्टम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, हर चीज के बारे में ये लिखते हैं बनारस में रह करके, ठीक है। और दूसरा जो रूलर है, दूसरा जो पोएट है यहाँ पर इनके साथ में, वो कौन है, दैट इज फिरदौसी, दैट इज फिरदौसी, फिरदौसी लिखते हैं वो शाहनामा, ये हमको असली में बताती है यहाँ पर महमूद और गजनवी के बारे में। अरेबिक में लिखी गई है भैया ये किताब, है पर्शियन में नहीं लिखी गई है, ये ध्यान रखना, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। ये जो दो पोएट्स हैं, ये दो स्कॉलर्स हैं, ये जब बताते हैं तब महमूद और गजनवी जो है ये आता है सोमनाथ, सौराष्ट्र पे अटैक करने हैं 1025 AD। कहानी भी एक लिखी गई है इसके ऊपर, तो भाई उसको एक कोई सेंट मिलता है जो सोमनाथ की बिल्कुल चमत्कारिक पावर्स है ना, यस, बहुत सारी उसका पावर है वो दिखाता है, ठीक है, वो बताता है, और वो कहता है कि भैया सोमनाथ में जो भगवान शंकर का जो मंदिर बना है वो काफी ज्यादा पायस है, और काफी ज्यादा उसके अंदर मैजिकल पावर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस सबको जो है चेक करने के लिए महमूद और गजनवी इंडिया में आता है, और वो तोड़ देता है, भैया क्या जस्टिफिकेशन दिया है इसका, बेकार है ना, यस, वो सिर्फ और सिर्फ आता है सोमनाथ टेम्पल को डिजर्ट करने के लिए, वहां पर जितना भी ट्रेजरी है उसको लूटने के लिए, ये चीज, यस, लूट, ये वर्ड हिंदी का ही है, लूट है ना, अंग्रेजी में तो कुछ बना ही नहीं इसके ऊपर, तो लूटेड, हालांकि लूट के माल को अंग्रेजी में बोलते हैं बूटी, है ना, यस, लूट के माल को बोलते हैं बूटी, बूटी बेसिकली एक पॉजिटिव वर्ड भी है, इसे बोलते हैं कि वो चीज जो काफी ज्यादा प्रेशियस हो, है ना, यस, प्रेशियस, उसको बूटी भी कहा जाता है, ठीक है, यस, अंग्रेजी ऐसे पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी सुधरेगी बेटा आप लोगों की, मेरी भी बहुत पुअर थी इंग्लिश, है ना, तो ऐसे ही पढ़ते 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 ऐसे टर्म्स आना शुरू हो गए, ठीक है, ये चीज तो ध्यान से पढ़ा करो, ओके। नाउ उसका जो अटैक था इंडिया पर वो फुलफिल किया उसने अपने एम्बिशन को, मैंने क्या कहा था आपको कि पॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया काफी ज्यादा थी, वैसी थी। मोहम्मद ऑफ गजनवी मर जाता है 1030 AD में, अब उसकी डेथ के बाद में कुछ नहीं बचा, उसकी एम्पायर छोटे से पार्ट में श्रिंक होके रह जाती है, ओके। तो ये था महमूद ऑफ गजनवी का अटैक, यानी कि 1025-26 AD तक महमूद ऑफ गजनवी भी एंड हो गए, लेकिन मोहम्मद गौरी के आने से पहले 1000 AD का टाइम पीरियड बचा है राजपूत स्टेट, राजपूत स्टेट्स इमर्ज होती हैं इंडिया के अंदर। नाउ राजपूत के बारे में जो मोस्टली जो लिखा गया है दैट इज गिवन बाय मिस्टर जनरल टॉड, जनरल टॉड जो है एक ब्रिटिश जनरल थे, और इन्होंने ही पहली बार राजपूताना वर्ड जो है, राजपूताना जो वर्ड है इसको कॉइन किया गया,
फॉर द राजपूत, राजपूताना, अ प्लेस वेयर द राजपूत रिसाइड्स, ठीक है। एज पर द जनरल टॉट्स, जो राजपूत वर्ड है इसका मतलब होता है हॉर्स ट्रेडर्स, हॉर्स ट्रेडर्स, ठीक है। ये थे पतित क्षत्रियास, यानी कि डीजेनरेटेड क्षत्रियास, जो कि लगभग लगभग कॉम्बिनेशन था हुन्स का और द लोकल विमेन्स। यस, हुन जो रूलर्स थे जो इंडिया में आए, और जो लोकल विमेन्स थी इस रीजन में, राजस्थान रीजन में, उन सबसे जो है राजपूत, ये एक क्लास इमर्ज हुई, ऐसा कहा जाता है, ऐसा जनरल टॉड ने बोला है भैया, ठीक है। बाकी अगर मिथोलॉजी के हिसाब से चले तो मिथोलॉजी के हिसाब से देवर, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निकुल, राजपूत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी है, लेकिन कैसे इमर्ज हुआ, किस तरीके से आया, ये आज भी मिस्ट्री है यहाँ। यस, लेकिन द मोस्ट ब्रेव, द मोस्ट लॉयल एंड द बिल्कुल डेडलीस्ट रूलर्स ऑफ द इंडिया, यस बिल्कुल भैया, राजपूत यही थे। चार प्रोमिनेंट डायनेस्टीज थी, द गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज, गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज, राजा जयचंद्र, ठीक है, परमास ऑफ मालवा, सॉरी द राजा भोज, ठीक है, एंड द चौहान्स ऑफ अजमेर, पृथ्वीराज चौहान, ये चीज। इनके अलावा और भी थी, कालचुरी डायनेस्टी जबलपुर के पास में, बुंदेलखंड, चंदेलास, चालुक्यास ऑफ गुजरात, तोमर्स ऑफ दिल्ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सर। बंगाल रीजन में राजपूत नहीं थे, बिकॉज वो पाला के बाद में सेनास के अंडर में चली गई। राजपूत बेसिकली ये इमर्ज्ड होते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और वो भी गुर्जर प्रत्यारा किंगडम के डिजेनरेट होने, डिसइंटीग्रेट होने के बाद। गढ़वाल का जो रीजन है दैट इज द कन्नौज, ठीक है, ये इनका रीजन है कन्नौज, और जैसे ही कन्नौज पर राजपूत ये क्लास इमर्ज्ड होती है, इनका डायरेक्टली एनकाउंटर हो जाता है पालास के साथ, कन्नौज का कंट्रोल चाहिए इनको। सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर है गोविंद चंद्र, जो पहले फर्स्ट 12th सेंचुरी में, फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी में रूल करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं जयचंद्र। यस, इनके टाइम में, ही वाज द लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द राजपूत डायनेस्टी द गढ़वाल्स। इन्हीं के टाइम पर बैटल ऑफ चंदवार होता है इन द ईयर 1194, और पूरा का पूरा गढ़वाल डायनेस्टी की एंड हो जाता है। चौहान्स के साथ इनका लगभग लगभग काफी ज्यादा जो है वॉर जैसा रिलेशन है, है ना। चौहान्स ये गुजरात में, रूलर्स ऑफ गुजरात नडाल के पास में ये इमर्ज होते हैं, लेकिन विग्रहराज, जो कि ग्रेट रूलर है, ये चित्तौर को कैप्चर करते हैं और अजय मेरू यानी कि अजमेर को अपना कैपिटल बनाते हैं, संस्कृत कॉलेज अजमेर में स्टैब्लिश करते हैं, एक लेक बनाते हैं, और फिर उसके बाद में गढ़वाल्स के साथ में इनका जो है, झगड़ा शुरू हो जाता है, वॉर शुरू हो जाती है। वेगराज दिल्ली को कैप्चर करते हैं फ्रॉम द टोमस और उसको अपना फिडिटरी बनाते हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर है, फेमस है, दैट इज पृथ्वीराज थ्री, और इन शॉर्ट कॉल्ड एज पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। बहुत कम एज में ये रूलर बन जाते हैं, 16 ईयर्स की एज में ही ये रूलर बन जाते हैं, और ये एक्सपीडिशन डालते हैं महोबा, बुंदेलखंड में एक प्लेस है महोबा, वहां पर अटैक करते हैं, और यस फेमस है आल्हा और उथल, बिल्कुल बुंदेलखंड में काफी फेमस है आल्हा और उथल, ये अपनी लड़ते पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ते लड़ते अपना लाइफ, ये देवर द फेमस वॉरियर आल्हा है, उन्होंने अभी भी कहा जाता है यस भैया मैयर में जो माता का मंदिर है, है ना, यस वहां पर आल्हा और उथल अभी भी पूजा करने के लिए आते हैं, देवी पूजा करने के लिए आते हैं, यस ये स्टोरीज है सारी, यस भैया काफी ज्यादा ब्रेव वॉरियर थे आल्हा और उथल, ये इसी वॉर में अपना जो है लाइफ खो देते हैं। राजपूत का जो मेन स्टेटस है, क्लैन बेस्ड सोसाइटी होती है, यानी कि कुल, कुल के ऊपर ही, यस चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके बेस पर, और वो डिसेंडेंट्स अपना रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो, वहीं से अपनी डिसेंट को बुलाते हैं। यहाँ पर क्या है भैया, जो भी चीफ है राजपूत का चीफ, उसको कुछ लैंड अलॉट कर दी गई है, ये भी डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हैं, फ्यूडल सिस्टम अभी भी इमर्ज्ड है इंडिया के अंदर, फ्यूडल सिस्टम। अब ये फ्यूडल सिस्टम कब जाएगा, ये फ्यूडल सिस्टम जाएगा जब अंग्रेज आएंगे, तब ब्रिटिशर्स आएंगे, ठीक है। यस, राजपूत वॉरियर्स जो है अपने ही चीफ्स, अपने ही सब चीफ्स को जो है इंटर्न लैंड दिया करते थे, उनकी हेल्प करने के लिए, मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो अपने फैमिलीज को जो है मेंटेन कर सकें और हॉर्सेस को भी मेंटेन कर सकें। कैवलरी, जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था ऑफ द राजपूत आर्मी, ठीक है। लेकिन एक राजपूत के लिए लैंड, उसकी फैमिली और उसका ऑनर, मान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राजपूत। अकबर ने इस चीज को समझा, इस चीज को वेटेज दिया, तो राजपूत बन गए उसके दोस्त, और उसने ऑल इंडिया एम्पायर खड़ा कर दिया। राजपूत स्टेट जो थे, देवत, रानास और रावत, ये टाइटल लिया करते थे, ठीक है। राजपूत ऑर्गेनाइजेशन की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अपने अपने एडवांटेजेस, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं,
ठीक है, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं भैया, है ना। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनके अंदर भाईचारा बहुत कर रहा है, इगैलिटेरियन सोसाइटी है, यानी कि लगभग लगभग कोई डिवीजन वैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन यही ट्रेड उनके अंदर डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन करने में डिफिकल्टी ला देता है ना। यस, जो राजपूत रूलर बिल्कुल अपने नियर बाई रीजन के ऊपर अटैक करे ऑन द ओकेजन ऑफ विजयदशमी, वो सबसे बड़ा है। राजपूत के लिए जो वॉर है वो है स्पोर्ट्स, खेल है ना। यस, इट इज अ खेल, इट इज अ स्पोर्ट्स, ठीक है। जितने भी फ्यूड्स हैं, ओके, उनके लिए वो स्पोर्ट्स की तरह है। फ्यूडल चीफ जो है ये थोड़ा सा सेवरल जनरेशन ये कंटिन्यू करती, तो यही थोड़ा सा एक वीकनेस का कारण बनता है राजपूत स्टेट्स का, कि जैसे ही कोई राजपूत रूलर वीक होता है वैसे ये फ्यूडल लॉर्ड अपनी अपनी इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर कर देते हैं, ओके, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, ये चीज है ना, क्लेमिंग द सुपीरियरिटी ओवर द अदर्स राजपूत, ये एक चीज है, ठीक है। सेंस ऑफ ब्रदरहुड ये तो है, लेकिन नॉन राजपूत के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो तैयार भी नहीं है ये चीज। अब पता नहीं क्यों तैयार नहीं है, ऐसा मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया, और ऐसा कभी किसी बुक में देखने को भी नहीं मिला। बस कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसे दिए जाते हैं कि ओके, यस, काफी ज्यादा उनको पति क्षत्रिया से कुछ ऐसा कहा जाता था इस तरीके से, और ब्राह्मण्स के हेल्प के साथ वो प्यूरिफाई हुए, प्यूरिफाई होने के बाद एंड दे एस्टैब्लिश द एम्पायर, दे वर द स्ट्रॉन्ग एंड द स्टडी पीपल। यस बिल्कुल, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ब्रेव थे, स्टडी थे, हॉर्सेस में ट्रेड करते थे, तो हॉर्सेस भी काफी अच्छे हैं, ये सारी चीजें। तो इसीलिए वो नॉन राजपूत को वो सप्रेस करते चले गए, एंड दे बिकेम द रूलर, दे वर बेसिकली बिकेम द पावरफुल फ्यूडल्स, वी कैन से दैट, ऑफ द प्रीवियस डायनेस्टीज, ठीक है, प्रीवियस रूलर्स, ये चीज, ओके, ये चीज जो गैप था वो बढ़ते चला गया इसी के चलते। और इसलिए नॉन राजपूत ने कभी भी, जब राजपूत पर अटैक हुआ बाय द गौरीज एंड द गजनवीज, इन सब के अगेंस्ट में कभी भी नॉन राजपूत ने उनको हेल्प नहीं किया। अगर देखा जाए तो काफी छोटा पॉपुलेशन था, इट वॉज समथिंग अराउंड 10% पॉपुलेशन जो राजस्थान में है, ठीक है, ये चीज। और जो बिल्कुल ये उस टाइम पर था, आज का जो पॉपुलेशन है उससे 10% पॉपुलेशन उस टाइम पर प्रिवेल करता था, ठीक है। लेकिन भैया फिर भी डोमिनेट किया, फिर भी 11th और 12th सेंचुरीज पूरा का पूरा, यस, 1000 से लेकर के 1100 के एंड तक उन्होंने पूरी तरीके से डोमिनेट किया ना। मैंने ये आपको पहले ही बताया था, राजपूत दे ट्रीटेड वॉर एज अ स्पोर्ट, ये इसको स्पोर्ट की तरह मानते थे वॉर को, ठीक है। और आइडियल भैया तो किस लिए झगड़ा होता था, लैंड और कैटल के लिए, है ना, बिल्कुल। और आइडियल राजपूत कौन है, हु इज आइडियल राजपूत रूलर, आइडियल राजपूत जो अपने नेबर पर, यस, जो अपने नेबर पर हर विजयदशमी को, हर विजयदशमी यानी कि दशहरा, यस, विजयदशमी पर अटैक करे, क्या करे, अटैक करे। और इसी अटैक से बचने के लिए एक प्रैक्टिस राजपूत लेडीज ने शुरू किया, एंड दैट इज द जौहर, यस, जस्ट टू सेव देयर ऑनर दे स्टार्टेड डूइंग द जौहर्स। हालांकि जौहर जो है बहुत ज्यादा प्रेविलेंट हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इस्लामिक इन्वेडर्स, है ना, ये चीज, गॉट इट। ऐसा नहीं है कि जो राजपूत लेडीज थे वो जौहर जो है वो सिर्फ इस्लाम के अगेंस्ट में ही जो है परफॉर्म किया करते थे, बल्कि वो अदर राजपूत रूलर्स के अगेंस्ट भी ये जो लेडीज हैं, रॉयल लेडीज हैं, ये जौहर परफॉर्म किया करती, ठीक है। यस, लेडीज, कंडीशंस ऑफ विमेन वर समवॉट नॉट गुड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द राजपूत, ठीक है, ये चीज। दे वर द चैंपियंस ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, वर्ण सिस्टम कूट कूट के भरा था, बिल्कुल, डोनेशंस, रिच ग्रांट्स, टेम्पल्स और ब्राह्मण्स में देते थे, पर यहाँ पर ग्रांट्स के लिए उनके पास पैसा था, लेकिन एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए पैसा नहीं था। दे डू नॉट हैव मनी टू डेवलप एग्रीकल्चर, टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, बट दे हैव मोर मनी, बिल्कुल। प्रोटेक्टर्स अपने आप को बोलते थे, प्रिविलेजेस ये मिला हुआ था ब्राह्मण्स का इनको, और कास्ट सिस्टम के ये प्रोटेक्टर थे, यस। यहां से रिजिडिटी जो है कास्ट सिस्टम की स्टैब्लिश होना शुरू हो जाती है। वो लोग चाहते तो अपनी सोसाइटी को इगैलिटेरियन बना सकते थे, ठीक है, बट उन्होंने सिर्फ एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही इगैलिटेरियनिज्म की पॉलिसी को फॉलो किया, बट दे वर नॉट इन फेवर ऑफ द फ्री फ्लो बिटवीन द कास्ट, ठीक है। रिजिडिटी, रिजिडनेस जो थी कास्ट सिस्टम में, वो यहीं से स्टैब्लिश होना शुरू हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब टर्किश इन्वेडर्स ने, बिल्कुल, जब इंडिया को इन्वेड किया अगेंस्ट दीज राजपूत रूलर्स, तो जो लोकल पॉपुलेशन थी उन्होंने जो है अपने रूलर्स का सपोर्ट ही नहीं किया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता वैसे, लेकिन सच कहा जाता है, ठीक है, ये चीज।
ना भैया उमेश कुमार सिंह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। पर किताब में बेटा ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है, ये सतीश चंद्रा बुक में ये लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में ये बुक चलती थी पहले, है ना, ये चीज तो उसी में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब आपने पता नहीं कहाँ पर नहीं पढ़ा है, पर भैया एनसीईआरटी जैसी किताब में तो ये दिया हुआ है। ओके उमेश भैया, है ना, अच्छा आप भी राजपूत हैं, इट्स गुड, ठीक है। पर बेटा बुक में दिया हुआ है, अब हम क्या करें, हम इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं उस चीज को, हम बता रहे हैं आपको, हमने भी बुक से ही ज्ञान लिया है ना ये चीज। ओके ये पार्ट है ना ये चीज। ओके नाउ कहाँ थे हम, हाँ ये रिजिडिटी, कास्ट सिस्टम में ये रिजिडनेस ये आना शुरू हो गई 8th सेंचुरी AD जो है, जहां से टेम्पल बिल्डिंग हमने कब पढ़ा था, टेम्पल बिल्डिंग में नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ गुप्तास, और अपने जेनिथ पर पहुंचता है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। यस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड भैया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है खजुराहो के टेम्पल्स, चंदेला रूलर्स, है ना, कंदरिया महादेव जो टेम्पल्स बनाते हैं, पार्श्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ बनारस, कंदरिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो, ये रिचेस्ट फॉर्म है हमारे किसके, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की ये रिचेस्ट फॉर्म है। इन सब टेम्पल्स को बहुत ज्यादा इलेबोरेट कार्विंग्स के साथ, रिच कार्विंग के साथ स्कल्पचर किया जाता है, उसके लिए काफी पैसा भी लगता है। रिच, यस दीज टेम्पल्स वर वेरी रिच, ऑल दीज टेम्पल्स, है ना। ये पार्ट उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल ये बना दिया जाता है ना, कोणार्क टेम्पल ये इसी टाइम डेट पर बनता है 1000 से 1200 AD पर। मथुरा, बनारस, दिलवारा, दिलवारा के टेम्पल जैसे बिलोंग टू द जैनिज्म, दे बिलोंग टू जैनिज्म, है ना, दिलवारा टेम्पल्स काफी फेमस है, आप घूमने चाहिए, काफी अच्छी चीज है, काफी अच्छा लगेगा आपको, वहां पर हिस्ट्री के ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। लाओ साउथ इंडिया के टेम्पल्स की तरीके से ही नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स है ये एक तरीके से देखा जाए तो कल्चरल सेंटर बन गए। क्या बन गए, कल्चरल सेंटर, ठीक है, यस बिजनेस भी होता था यहाँ से, काफी ज्यादा पैसा भी इकट्ठा हो गया ये पार्ट, है ना, चीज। और बहुत सारे विलेजेस भी इन टेम्पल्स के अपकीपमेंट के लिए रखे जाने लगे, बिल्कुल जैसे साउथ इंडिया में हमने पढ़ा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चोलास, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चोलास, ये सारी चीजें वहां पर एस्टैब्लिश, ठीक है, गॉट इट, ये चीज, है ना। आर्ट एंड लेटर्स को भी थे, पैट्रनाइज करते थे, वास्तुपाल, है ना, यस वास्तुपाल, ही वाज द फेमस मिनिस्टर ऑफ चालुक्यन किंग, गुजरात के थे, ठीक है। अपभ्रंश भाषा जो है ये इसमें काफी अच्छा कुछ लिखा है ना, इन्होंने माउंट अबू के पास में टेम्पल्स बनाए हैं, है ना। उज्जैन और धार ये परमास के रूल्स में ये बनी, ग्रेट संस्कृत लर्निंग सेंटर्स ये बने उज्जैन एंड धार, है ना। हेमचंद्र ये संस्कृत अपभ्रंश लैंग्वेज में, ये भी चैन स्कॉलर थे, ये भी इसी टाइम पीरियड पर फ्लरिश करते हैं। और हिंदी, बंगाली, मराठी ये जैसी जो लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ इंडिया में जो बोली जाती है, ये लैंग्वेजेस इमर्ज होना शुरू हुई, ठीक है, इमर्ज होना शुरू, स्पेशली द वेरियस लोकल डायलेक्ट्स, अवधी, हरियाणवी, है ना, ब्रज भाषा, ये जो कुछ भाषाएं हैं ये यहाँ पर इस रीजन में इमर्ज होना शुरू हुई। क्यों, क्योंकि फिर से वही आइसोलेशन वाला जो सिस्टम था ना जो हमने पढ़ा था पहले, अब वो चीज इमर्ज होना शुरू हो गई, ठीक है, ये चीज, है ना, ये चीज, है ना, ये चीज। ओके अब यहां पर आता है द घोरी इन्वेशन, सबसे घोरी बड़ा, सबसे बड़ा इन्वेशन, दैट इज द घोरी इन्वेशन, या 1173 AD, यानी कि 1173 AD में मोहम्मद शहाबुद्दीन, बिल्कुल भैया, और नो में मोहम्मद ऑफ गौर, ये गौर के राजा बनते थे, गजनी पर ये असेंड करते हैं अपना थ्रोन, ठीक है। पर घोरीज देवर नॉट स्ट्रॉन्ग, खोरिज्मी एम्पायर ये ईरान में डेवलप हो जाती है, जो कि धीरे धीरे उनसे गजनी का पार्ट ले लेती है और उनको फोर्स कर देती है कि घोर में अपना घोर में जो है अपना जो है कैपिटल बनाया, और इनको जो है यस 2 साल के अंदर ही 1175 में और 1175 AD में शहाबुद्दीन गौरी को मजबूर कर दिया जाता है कि वो भैया इंडिया की तरफ अटैक करे, इंडिया की तरफ अटैक करे, ठीक है, क्योंकि अब उसके पास, उसको सिर्फ इंटरेस्ट है किस चीज में, ठीक है, उसके पास इंटरेस्ट है परमानेंट एम्पायर, परमानेंट एम्पायर उसको चाहिए, अब वो लूटना नहीं चाहता, उसको एक परमानेंट एम्पायर चाहिए ये चीज। चलो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आया है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्षत्रिया एंड राजपूत, कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। क्षत्रिया बेसिकली एक वर्ण है, क्षत्रिया बेसिकली एक वर्ण है, और राजपूत एक तरीके से एक क्लास है, राजपूत बेसिकली एक क्लास है
और क्षत्रिय जो है ये एक वर्ण है, ठीक है, वर्ण है ये, ठीक है, ये वर्णाश्रम या वर्ण सिस्टम का पार्ट है क्षत्रिय, ठीक है। राजपूत दे कॉल्ड देमसेल्व एज क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये क्षत्रिय कोई भी हो सकता है, दोनों एक ही है, नहीं, ठीक है, वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही है, ठीक है, बिकॉज भी राजपूत वॉज अ क्षत्रिय, ठीक है, बट क्षत्रिय जो है ये वर्ण है और राजपूत जो है ये क्लास है, ठीक है, ये पार्ट, गॉट इट, ये चीज। नाउ इस कैंपेन वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, मोहम्मद गौरी का यही इसकी जीत का एक कारण है ना, ये चीज है ना, ये चीज, ये कारण था इसका, है ना, कैंपेन वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड व्हेन एवर दे कॉन्कर्ड एनी अदर टेरिटरी, ओके, ये चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट का पार्ट था कि जैसे जैसे वो कोई भी टेरिटरी को जीतते जाता था, अपना एक गवर्नर वो वहां पर छोड़ते जाता था, ठीक है, ये चीज। और इसका जो इन्वेजन था, यस, इसने परमानेंट जो है इस्टेब्लिशमेंट किया टर्किश इन द इंडिया। 1175 में मोहम्मद और गौरी का पहला इन्वेजन, उसने बोलन पास, ये कहाँ है बोलन पास, यस मेरे प्यारे बच्चों, कौन बताएगा मुझे बोलन पास कहाँ है? ये है सुलेमान रेंज में, यस, बलूचिस्तान के पास में है सुलेमान रेंज, वहां पर है बोलन पास। इस बुरन पास को क्रॉस करके वो मुल्तान पहुंचा, मुल्तान से उसने अटैक किया गुजरात पर 1178 AD में। लेकिन यहां पर जो भीम टू थे, चालुक्य रूलर, बैटल ऑफ अनहिलवारा, बैटल ऑफ अनहिलवारा, ये एक बैटल फॉट हुई और यहां पर हरा दिया मोहम्मद गौरी को पूरी तरीके से। मोहम्मद गौरी ने करेज नहीं हारा भैया, बिल्कुल नहीं हारा, हार गया तो क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट था, फेल हो गया ना, कोई बात नहीं, पर सीखने को बहुत कुछ मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला। उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, क्या करी, स्ट्रेटजी चेंज करी, और उसने पंजाब को बेस बनाया, उसने खाइबर पास को क्रॉस किया, खाइबर पास को क्रॉस किया और पंजाब पर अटैक किया। यस भैया, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, ये जो रीजन है ना, लोग पूछ रहे हैं कि सर सारे इन्वेडर्स खाइबर पास से ही क्यों आते हैं, क्योंकि भैया ये जो रीजन है ना, ये शुरुआत से ही नॉर्थ इंडियन एम्पायर के कंट्रोल में, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में था ही नहीं, ठीक है, तो इसीलिए काफी इजीली इस रीजन को कॉन्कर करना बहुत आसान, काफी इजीली कॉन्कर किया जा सकता था। और यहां पर पंजाब कैप्चर करने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपना बनाया बेस पंजाब, कैंपेन्स उसने काफी लॉन्च किए, बिल्कुल, पेशावर को कॉन्कर किया 1790 AD, लाहौर को ले लिया 1186 में, और 1790 में जैसे ही मुल्तान, सिंध, पंजाब, इन सब रीजन में अपने आप को स्ट्रांग पोजीशन में लेकर के आया, तब बच गया गंगा यमुना डूबा। भैया पंजाब का तो ये पार्ट था ही वैसे भी पूरा, बोले अब मैं अटैक करूंगा मेन रीजन्स पर, और बिल्कुल पहला एनकाउंटर होता है 1191 AD में, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं, ठीक है, ये पार्ट मोहम्मद गौरी, ठीक है, यस, पंजाब को लेने के बाद में वो गंगा डोआ पर अटैक करते हैं, पृथ्वीराज चौहान के साथ में ये बैटल होती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान काफी स्ट्रांग है, मोहम्मद गौरी वो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान को, एंड अल्टीमेटली पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं मोहम्मद गौरी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, यानी कि ये तो वही कहावत हो गई भैया, सेकेंड अटेम्प्ट में जो है प्रीलिम्स क्लियर किया अच्छे से, मेंस भी किया, इंटरव्यू में पहुंच गए ओवर कॉन्फिडेंटली, और वहां पर हो गए धराशाही, है ना, तो यस वहां पर हो गए धराशाही, भटिंडा के पास में दोनों में जो है क्लैश होता है और पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं जो है मोहम्मद गौरी को, ठीक है, यस इट वॉज रूटेड एंड एस्केप्ड टू द डेथ। मोहम्मद गौरी को उनका एक जनरल, मोहम्मद गौरी को उनका एक जनरल होता है बख्तियार, एक इख्तियार उद्दीन बख्तियार खलजी है ना, ये उनको बचा लेता है, यस ये उनको बचा लेता है, किसको, मोहम्मद गौरी को, पृथ्वीराज भटिंडा को कैप्चर कर लेते हैं और गौरी को एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी पूरी की पूरी फोर्सेस को रीअसेंबल करने की और एडवांस करने की। एक साल की प्रिपरेशन के बाद में मोहम्मद गौरी अटैक कर देते हैं 1192 AD में, फिर से बैटल ऑफ तराइन होती है सेम रीजन भटिंडा के पास में, लेकिन ये बैटल हो जाती है टर्निंग पॉइंट, क्या हो जाती है, टर्निंग पॉइंट,
ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ पहुंचते हैं, थर्ड अटेम्प्ट में इंडिया कैप्चर कर लेते हैं। यस भैया, प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू भी क्लियर, अब बन गए आईएएस, और वो भी टॉप फाइव में, और वो भी टॉप फाइव में रैंक आ गई, टॉप थ्री में रैंक आ गई है ना। यस, टर्किश फोर्सेज राजपूत फोर्सेज के साथ फेस टू फेस और हार जाते हैं, ठीक है। बल्कि इंडियन फोर्सेज का मैच नहीं है कोई भी टर्की ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ये चीज, और इसीलिए ये लोग हार जाते हैं यहाँ पर। पृथ्वीराज चौहान वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड, ठीक है। यस, ऐसा कहा जाता है कि टर्किश कैवलरी जो थी वो सुपीरियर है टेक्निक में, पर ऐसा नहीं है। आयरन सिरप का जो पार्ट था वो पहले भी इंडिया में आ चुका था, लेकिन उस चीज को प्रॉपरली यूज करना, जैसे अगर हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो एलिफेंट राइड्स के ऊपर ज्यादा प्रेफर करते हैं, एलिफेंट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखती है, बड़ा है ना, स्ट्रेंथ दिखती है इसीलिए। अब जैसे ही तराइन, जैसे ही बैटल ऑफ तराइन के बाद में पृथ्वीराज चौहान, चौहान एम्पायर को डेजिग्रेट किया जाता है, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में छोड़ दिया जाता है ताकि वो इंडियन अफेयर्स को डील कर सके। और कुतुबुद्दीन ऐबक भैया बैटल ऑफ चंदवार होती है। मोहम्मद गौरी फिर इंडिया आते हैं 1194 एडी में, अब यमुना क्रॉस करने की बारी है, यमुना को क्रॉस किया जाता है, कन्नौज पर होता है अटैक, बैटल ऑफ चंदवार होती है जयचंद के साथ, ये हार जाते हैं। बैटल ऑफ चंदवार और बैटल ऑफ तराइन, क्योंकि तो यही तो बस इंपॉर्टेंट रूलर्स थे गढ़वाल एंड चौहान, जिनको सप्रेस करने के बाद में पूरा नॉर्दर्न इंडिया आ जाता है मोहम्मद गौरी के स्वे में, कंट्रोल में। मोहम्मद गौरी इंडिया फिर छोड़ के जाते हैं और छोड़ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का बना के जाते हैं वो जनरल, गवर्नर जनरल, वो इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। महमूद ऑफ गजनी, गजनी जो है वो इंटरेस्टेड सिर्फ प्लंडरिंग में था, लेकिन मोहम्मद गौरी को चाहिए थी पॉलिटिकल पावर, ठीक है, ये चीज। हाँ बेटा बिल्कुल, राजपूत थे है ना, द्वितीय युद्ध में कन्नौज में राजा जयचंद ने गौरी की मदद की थी, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ हाथ नहीं बनाया है ना। उमेश कुमार सिंह बिल्कुल सही है बेटा, नालंदा विश्वविद्यालय में आग जो है इकबरुद्दीन बख्तर खिलजी नहीं लगाई थी, है ना, ये चीज। ओके, ये पार्ट भैया है ना, डेथ 1206 एडी में, 1206 एडी में मोहम्मद गौरी की डेथ होती है। टर्किश इंटरेस्ट वहां से नहीं हटता और उसका जो जनरल है कुतुबुद्दीन ऐबक वो बनाता है पहली दिल्ली सल्तनत, 1206 एडी में बन जाती है पहली दिल्ली सल्तनत। ये था एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 1000 टू 1200 एडी। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपैलिटीज डायनेस्टीज हैं यहाँ पर, और लोग बोलते हैं कि बहुत सारे कॉजेस हैं फॉर द डिफीट ऑफ दी राजपूत्स। भैया लोग बोलते हैं 15 साल के भीतर भीतर, यस 1175 में पहला अटैक किया गया और 15 साल के भीतर, बिल्कुल 15 इयर्स, लगभग लगभग जो 22 राजपूत किंगडम्स थी उन सबको हटा दिया गया, किन्नों ने हटा दिया, टर्क्स ने हटा दिया, भैया टर्क्स ने हटा दिया, क्यों, वाई, क्यों भैया, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। लोग बोलते हैं पॉलिटिकली वीक थे, मिलिट्री मिलिट्री बैकवर्ड थे, इकोनॉमिकली साउंड नहीं थे, है ना, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं। तो मेरे भैया एक चीज बताओ, एक चीज बताओ कि लोग तो रीजंस तो दे दिया, देवर पॉलिटिकली वीक, देवर द राजपूत भाई, वीक कैसे हो सकते हैं, द स्ट्रॉन्ग ब्रेव क्लास है ना, मिलिट्री बैकवर्ड भैया, देवर दे हैड वेरी गुड कैवलरी, आयरन स्ट्रिप का, स्टिरप का यूज करना, इकोनॉमिकली भी साउंड है भैया, इतने बड़े बड़े विशाल भव्य टेम्पल्स वो लोग बना रहे हैं, भव्य टेम्पल्स, यस मैग्निफिसेंट टेम्पल्स दे आर बिल्डिंग, है ना, लाइक कंदरिया महादेव, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ चंदेलास, है ना, काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ बनारस, मथुरा में टेम्पल, यस ये सारे टेम्पल्स बन रहे हैं, तो इकोनॉमिकली भी साउंड है, ऐसा कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं तो आ ही रहा होगा ना, यस द मनी वॉज कमिंग, मनी वॉज देयर, तभी तो इतने मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनेंगे, तो भैया कहाँ से वो पॉलिटिकली वीक हो गए। हाँ सोशली वो काफी ज्यादा वीक, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना, रिजिडिटी कास्ट सिस्टम में ये आ गई थी, यस रिजिडिटी कास्ट सिस्टम में आ गई थी, ठीक है। टर्किश ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा सुपीरियर थे, इंडियंस को कुछ पता ही नहीं था, यस दे वर द नोन वारफेयर मेथड्स उनसे ज्यादा अच्छे थे हमारे, आयरन स्टिरअप थे, लैक करते थे यूनिटी, लैक करते थे यूनिटी। राजपूत रूलर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब यार एक चीज बताओ मेरे को, एक सोचने वाली बात है ना, एक राजपूत
दूसरा राजपूत, ठीक है भाई, ब्रदरहुड का सेंस ऑफ ब्रदरहुड है ना दोनों में, इस पर अटैक हुआ, ये इसकी मदद के लिए क्यों नहीं आया? व्हाट वाज द रीजन? क्यों भाई, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी ये इनकी हेल्प को नहीं आया, है ना? ये चीज अभी हमारे एक प्यारे बंधु है ना, ये हमारे प्यारे बंधु है, जैसे अभी इन्होंने ये लिखा कि सर जो द्वितीय युद्ध था कन्नौज में, है ना, मैं कन्नौज में, कन्नौज के राजा जयचंद ने गौरी की मदद की थी, भैया गढ़वाल ये भी राजपूत थे, जयचंद है ना, पृथ्वीराज चौहान भी, और ऐसा मैंने सुना है, कहानी में सुना है कि पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद जो है वो फूफा जी थे उसकी शायद, है ना, यस क्या थे, फूफा जी, तो सुना है, कहानी में सुना है, तो भाई फूफा जी को तो अटैक मतलब मदद करने आना चाहिए था, तो फिर वो चौहान के अगेंस्ट में क्यों थे, व्हाई ही वाज अगेंस्ट द चौहान, तो यस कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डिफेक्ट रहा होगा ये चीज, तो यस भैया ये थे कुछ रीजंस, ठीक है, ये हैं कुछ रीजंस, इनके कारण ही राजपूत में यूनिटी का फैक्टर नहीं आया, बिल्कुल ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, दे वर नॉट यूनाइटेड, ठीक है, क्यों, एक कारण तो ये हो गया, दूसरा कारण तो ये भी हो सकता है कि भैया ये एक दूसरे पर अटैक करते हो बार 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 बार, है ना, तभी यूनिटी नहीं आएगी, वरना देखो भैया हमने तो क्या पढ़ा था, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, दे वर वेरी लॉयल, दे वर वेरी लॉयल, है ना, राजपूत आज भी है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, राजपूत राजपूत भाई भाई, लेकिन फिर भी देखो एक दूसरे का साथ नहीं दिया, ठीक है, एक इन्वेडर के अगेंस्ट में, क्यों भाई, व्हाई इट इज सो, व्हाई इट इज सो, है ना, टर्किश बोज, ये सब हम लोग बोलते हैं मिलिट्री काफी ज्यादा साउंड थी जब इन्वेडर्स आए थे, नो दे वर नॉट एट ऑल साउंड, यस हमारे जितने भी बोस्ट एरोज थे वो ज्यादा अच्छे थे, निशाना हमारा ज्यादा अच्छा था, हमारे जितने भी एरोज होते थे उनका जो एरो हेड था, यस जो एरो हेड होता था ये पॉइजनस होता था, क्या होता था, पॉइजनस, है ना, पॉइजन लगा होता था इसके ऊपर, ये मोर डेडली था, और हमारा निशाना भी काफी एक्यूरेट था इन प्लेस इन इन कंपैरिजन टू टर्किश, ठीक है, यस इंडियन स्वॉर्ड्स हमारी बेस्ट मानी जाती थी, काफी भारी, काफी ऐसा अच्छा खासा आयरन का यूज, यहाँ पर स्टील, प्योर स्टील से वो स्वॉर्ड बनती थी, काफी ज्यादा मजबूत होती थी, यस टर्क्स दे हैड द स्विफ्टर हॉर्स, लेकिन हमारे पास भी कुछ कमी नहीं थी भैया, हम भी इम्पोर्ट करते थे टर्क्स, स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी हॉर्सेस ये भी थे हमारे पास, लेकिन फिर भी हम हार गए, क्यों हार गए, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काफी पुअर था, सोशल स्ट्रक्चर काफी पुअर था, फ्यूडलिज्म काफी ज्यादा थी, यस एक रूलर और इसके ढेर सारे फ्यूड्स लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है भैया, सपोर्ट करने ही नहीं आए, मेन राजा को हरा दिया इन्होंने, अपना सब्जुगेशन दे दिया किसको, टर्क्स को, बोले कि नहीं भैया हम अब डिस्ट्रॉय मत करो, राजा को मारना है मार दो, भैया ये काहे का ब्रदरहुड हो गया यार, है ना, ये चीज ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म, इट वॉज देयर, जो लोकल लैंडेड एलिमेंट्स थे उन चीफ में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर काफी वीक था, फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन काफी पुअर हो गई, यस दो दे वर स्ट्रॉन्ग, दो दे वर स्ट्रॉन्ग, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड वॉज देयर, लेकिन या फिर वही दिक्कत आ गई ये चीज, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो टर्क्स का ट्राइबल स्ट्रक्चर काफी, टर्क्स क्या करते थे कि भैया ओके ये टेरिटरी हमने जीत लिया, इसको डिवाइड कर दिया पार्ट्स में, इकतादारी सिस्टम या इकतास में, यानी कि प्रोविंसेस में, एक तेरा एक दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सब में बांट दिया गया, कुछ लैंड स्टेट ने अपने पास रख ली, बोले ये मेरी है, ये कहती थी खाली सा लैंड, हम लोग पढ़ेंगे जब आगे एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना उसमें आएगा ये सारी चीजें, ओके ये सीधे रूलर के पास जाती थी, सुल्तान के पास रहती थी, बाकी ये सब इकतादास के पास में, क्या करना है इनको, बस खाली मेंटेन करना है आर्मी को, इन इकतादास को, ये चीज यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, जो टर्क्स काफी ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पर थे, है ना, सेंट्रल एशिया में ये सिस्टम इमर्ज हो गया, ठीक है, और प्लस वॉर बूटी यानी कि लूट का माल भी 4:5 + 1:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, ये होता था सुल्तान का और ये होता था सोल्जर्स का, तो यहाँ पर भी ये जील था इनके अंदर लड़ने का, है ना, यस ये कुछ स्पिरिट देता था, है ना, गाजी, अभी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था सर गाजी स्पिरिट क्या है ना, यही है, गाजी मीन्स अ फाइट अगेंस्ट, गाजी मतलब एक सोल्जर को गाजी कहा जाता था, और इसे ये कहा जाता था कि भाई तुम इनफीडल्स पर वॉर कर रहे हो, दैट इज अ जिहाद, ओके तुम जितना ज्यादा नॉन इस्लामाइज पर्सन को मारोगे तुमको उतना ही अच्छा हेवन मिलेगा, ये स्पिरिट होती थी, दैट इज अ गाजी स्पिरिट, ठीक है, ये रिलीजन से जोड़ दी जाती थी, रिलीजन से,
ये पार्ट तो ये सब था यहां पर, इसलिए काफी ज्यादा एनर्जी, एंथुजियास्टिक, जीलसली थे। नंबर्स की बात करें तो वो काफी कम थे, टर्क्स नंबर्स में हम बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो था वो काफी पुअर, काफी पुअर। इसी वजह से हम लोग हारे हैं, यूनिटी का फैक्टर नहीं, वजह से हम लोग हारे हैं। ऐसा नहीं है ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया जो राजपूत स्टेट जैसे डिसइंटीग्रेट हुए थे या डिसेंट्रलाइजेशन जैसा हुआ था वैसा कुछ वेस्ट एशिया में नहीं था, वो भी था भैया, लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन काफी वीक था। मैंने क्या कहा, कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा रिजिड हो गया। यस, उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या अपनी एम्पायर को और प्रॉपर प्रॉस्पेरस करने में काफी ज्यादा, मतलब उसको जो है काफी एग्रीकल्चर को नहीं उन्होंने बूस्ट किया, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को उन्होंने बूस्ट करने की कोशिश नहीं करी। ठीक है जी, जो भी पैसा आता था उनके पास वो पैसे से वो सिर्फ टेम्पल्स बनाते थे। क्या बनाते थे, टेम्पल्स। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा प्रॉब्लम लाई कर गया, यही था बस मेन कारण कि जो राजपूत इजली डिफीट हो गए। जब इन्वेडर्स आए तो लोकल पॉपुलेशन ने भी सपोर्ट नहीं किया, यस दे डिडंट केम अप विद द रिसोर्सेस टू हेल्प देयर रूलर्स, प्लस अदर राजपूत रूलर्स भी नहीं है। अगर सारे राजपूत रूलर्स एक हो जाते उस टाइम पर पूरे नॉर्थ इंडिया के, तो मोहम्मद गौरी कभी इंडिया नहीं जीत पाता बेटा, यस दिल्ली सल्तनत कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाती, कभी नहीं हो पाती। ठीक है ये चीज, ये चीज पर्सनल की हम बात करें तो भैया राजपूत से ज्यादा ब्रेव कोई नहीं, उनके आगे कोई नहीं लगता, टर्क्स भी नहीं, लेकिन गाजी स्पिरिट जो थी टर्क्स के साथ में वो सबसे ज्यादा, बिल्कुल वो सबसे ज्यादा यहाँ पर आ गई है ना। और राजपूत भैया रिट्रीट तो करना ही नहीं है, हार भी रहेंगे तो भी रिट्रीट नहीं करेंगे, पर टर्क्स के साथ ये नहीं था। मोहम्मद गौरी देखा हार रहा था तो भाग गया है ना, लेकिन इनके साथ नहीं था, है ना ये चीज। ओके ये पार्ट गॉट इट है ना, रेजिस्टेंस काफी ज्यादा टाइम दिया ये चीज। ओके ये पार्ट, बस स्ट्रेटेजिक विजन की कमी थी, फ्रंटियर्स को कभी सिक्योर करने की कोशिश ही नहीं करी भैया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो पुअर था ही, सोशल स्ट्रक्चर भी पुअर था, फ्रंटियर भी पुअर था। हमने क्या देखा, 1190 तक मुल्तान, लाहौर, पूरा पंजाब कैप्चर कर लिया था किसने, मोहम्मद गौरी ने, है ना। तभी 1191 पर उसने गंजाटिक प्लेन पर अटैक किया है ना ये चीज। ओके रिप्लेट, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं था उनका, डेवलपमेंट क्या हो रहा है आउटसाइड वर्ल्ड में, सेंट्रल एशिया में क्या चल रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है कुछ भी नहीं, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। कोई हमारा ट्रैवलर गया ही नहीं कभी, यस हमारा कभी ट्रैवलर गया ही नहीं भैया। हमने इससे पहले क्या देखा था कि हमारे जितने भी लर्नेड पर्सन थे जो कैलिफ्स थे, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से उनको रखा है ना, काफी पैटर्नाइज किया और वो चीजों को अपनी एम्पायर में भी इंकल्केट किया, लेकिन क्या किया, राजपूत बाद में ये रूलर्स बने थे बिल्कुल भी नहीं भेजा। ओके वी वर कन्फाइंड टू आवर सेल्फ ओनली, वी वर कन्फाइंड टू आवर सेल्फ ओनली, ये चीज तो ये रीजन था ये चीज, इसीलिए ये लोग हार गए। ये बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है ना, ये बनता है मेंस के हिसाब से, बिल्कुल मेंस के हिसाब से ऐसे बनेगा, डेस्पाइट ऑफ द ब्रेवरी इनकल के या ब्रेवली प्रेजेंट इन द राजपूत रूलर्स, और डिस्पाइट ऑफ हैविंग द वेरियस रिसोर्सेस, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस विद द राजपूत, दे फेल डाउन अगेंस्ट द टर्क्स। डिस्कस ठीक है, या इलैबोरेट ठीक है, या कमेंट, या क्रिटिकल एग्जामिन ठीक है, द कॉजेस फॉर द डिफीट ऑफ द राजपूत। इस तरीके से एक क्वेश्चन मेंस के अंदर बन जाता है, ठीक है समझ गए। बाकी वो तो कहानी थी, उसके ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर हाँ इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा। ओके ये चीज, तो चलो भाई किसी को कोई डाउट हो कुछ हो तो मेरे से पूछ सकता है, तो मैं बता दूंगा जिससे, है ना। शालू सिंह, चंद्र बरदई की लाइन है जो पृथ्वीराज चौहान के पोएट। हाँ बेटा चांद बरदई बिल्कुल, शालू सिंह क्या बोलते हैं इसमें, चांद देखकर सितारे बने, आसमान देखकर बादल बने, नदी देखकर, हाँ बेटा शालू बिल्कुल सही बोल रहे हो, उनके रिलेशन आपस में अच्छे नहीं थे ना।
मोहम्मद गौरी को मारने के लिए, और वो भी किसको सुना रहे हैं, महाराणा प्रताप को। अरे भैया कहानी ईशा बेटा, महाराणा प्रताप जो है वो अकबर के टाइम पर थे और मोहम्मद गौरी कब था, बहुत पहले है ना। मोहम्मद गौरी को मारने के लिए महाराणा प्रताप को सुनाया गया था, पता नहीं है ना ये चीज। हाँ एक मिनट रुको भाई भाई, साउथ अरेबिया, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान वर इजली इस्लामाइज्ड व्हेन दे वर आइडल वर्शिपर अर्लियर, व्हाइल इन केस ऑफ इंडिया इन्वेडर्स फेस टफ रेजिस्टेंस एंड नॉट बिकेम इस्लामाइज्ड एज अ होल। भाई मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि इन इंडिया दस इंडिया के अंदर काफी ज्यादा रूलर्स ने, मतलब काफी ज्यादा अटैक किए गए, बट वी वर स्ट्रॉन्ग, स्पेशली द गुर्जर प्रतिहारास, दे वर द स्ट्रॉन्ग एंड दे रेजिस्टेड दी अरब अटैक। Yes, they resisted the Arab attack, but they were not having the control in the Afghanistan, Central Asia, Turkey, like these regions. Byzantine Empire was there in the Turkey. Yes, Byzantine Empire, अगर हम लोग, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये चीज, तो इसीलिए जो है वो इजिली जो है वहां पर कन्वर्ट हो गए, है ना, इजिली वो इस्लामाइज कर दिए गए। पर लेकिन हमारा कल्चर अपने आप में इतना स्ट्रांग था, नंबर वन, नंबर टू रूलर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, इसीलिए उसको प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल इसीलिए उसको जो है अटैक तो किया, लेकिन हमने प्रॉपर तरीके से उसे रजिस्ट भी किया, ठीक है, रजिस्ट भी किया। ओके, जब मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी इंडिया में आया था, वो सब खाली लूट के लिए आया था, उसने लूटा और चला गया। पर मोहम्मद गौरी, ही केम विद द एम टू स्टैब्लिश, ही केम विद द एम टू स्टैब्लिश द एम्पायर। जैसे अपनी क्लास में होता है बेटा, है ना, कुछ बच्चे आते हैं बस न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और चले जाते हैं। मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी भी वैसे ही था, पर कुछ बच्चे आते हैं वो बिल्कुल डट के पढ़ते हैं, कहते हैं कि नहीं साला हम लोग ज्ञान लेके ही जाएंगे, यहाँ से कुछ सीख के ही जाएंगे। तो इसीलिए जो है, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है महमूद और गौरी जो है, या जो अरब थे, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो गए इस रीजन में अपने आप के पैर कुछ एस्टैब्लिश करने में। इज देयर एनी सपोर्ट फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट? यस बेटा, बिल्कुल रिलीजियस टेक्स्ट था, बिल्कुल, है ना। यस, लड़ने का जील तो वहीं से आएगा ना, आप लड़ोगे, उनको मारोगे, ठीक है, आपको वॉर बूटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, 4/5 जिसे खम्स कहा जाता है, दूसरा जिहाद का कॉन्सेप्ट, है ना, जिहाद का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें, है ना, ये चीज। नहीं बेटा आज 10:30 बजे वाली क्लास नहीं है, कुछ काम है मेरे को, तो इसीलिए मैं आज की क्लास नहीं रखा हूँ, कल करेंगे हम लोग उसको, है ना ये चीज। तो ये पार्ट, तो इस तरीके से ये हुआ। अब आप कल हम लोग जो है थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे, जो 800 to 1200 AD के बीच में तो सोशल कंडीशन थी, रिलीजियस बिलीव्स थे जो डेवलप हुए, खास करके जैसे शंकराचार्य, मठ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, है ना, रिलीजन भक्ति मूवमेंट, अलवर्स, नायनर्स, ये जो स्टैब्लिश हुए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक द मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, है ना ये चीज, है ना ये पार्ट। रिलीजियस जील तो था ही बेटा, है ना, एम ये क्लियर हो ही गया। और कोई डाउट? चलो भाई, और किसी को डाउट नहीं है दोस्तों, चलो भाई क्लास अपना एंड करते हैं आज, है ना ये चीज क्लियर है। चलो भाई, शिवांश क्लास नहीं है, थैंक यू वेरी मच, यू टू बेटा, स्टोन कोल्ड, यू टू हैव अ नाइस डे, है ना ये चीज। पर भैया स्टोन कोल्ड क्या तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, तुमने पेपर दिया था इस बार? तो दोस्तों अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड थैंक यू वेरी मच। और भैया मैं अभी भी कहूंगा यार, 2021 एंड 2022 वाले बच्चों के लिए कि भैया अमित मोदी रेफरल कोड यूज करके सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि रेगुलरिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये पार्ट सिंपल से इतना कहूंगा मैं तुम लोगों को कि यूपीएससी का जो एग्जाम है ना, इट इज जस्ट लाइक इंडिया, वेब्स में धीरे धीरे बिना तैयारी के जाओगे क्रैक करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए चाहिए फुल फ्रिजेड तैयारी, जैसे मोहम्मद गौरी ने किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था, इसीलिए वो स्टैब्लिश हो पाया अच्छी तरीके से इंडिया के अंदर, ठीक है। हालांकि वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाया इंडिया में रूलर बनने का, वो मर गया 1205 AD में, लेकिन फिर भी वो जीत पाया, बिल्कुल इन्वेडर की तरह आया और सेटल हो गया यहाँ पर, ठीक है ये। ओके बेटा, यहाँ पर भैया बिल्कुल आप लेना ना भूलें सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर से रात को 9 बजे, थैंक यू वेरी मच।